51 किलो की माला भेंट कर आदरणीय अतिथियों का अभिनंदन करें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आपके तालियों से ऐसा लगेगा कि आपकी उपस्थिति है, आप यहाँ हैं, पांडाल में मौजूद हैं। दिल से करे सजदा आज के दिन का, यह दिन बुलंदियों की परवाज लेकर आया है। श्रुति पटों को बंद कर और मन के कानों से सुन, हर तरफ श्री धर्मेंद्र सिंह राठौड़। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस कार्यक्रम के साक्षी हैं। आप सभी से निवेदन, स्थान ग्रहण कर कार्यक्रम की गरिमा को गरिमामयी बनाएं। सभी से निवेदन। जवाब दोगा तो मानूंगा भाई थर में जोश है। जब बोलो बिलाड़ी माता की, नारा में मचो कमल से। जब बोलो बिलाड़ी माता की, लुगाई छोड़ छापरी कौन बोल रही की बात है। माता की जब बोलो, लाकड़ा बाबा की जब बोलो, बैरू बाबा की जब बोलो, हीरामल महाराज की अवगत में बात है। अब सबसे पहले कार्यक्रम शुरू होने से पहले एक बार जयराम कई सलाम मिले सब उन्हें, जयराम ठेकला को पहली एक बार एको कलाकारी सुनांगा, फिर कार्यक्रम शुरू होगो। जयराम भाई ओजा खड़ो। बोरेलाल जी, वार्ड पंच साहब और बाबूलाल जी सैनी, आप भी आए मंच के ऊपर और इनको सब सपा बनाकर स्वागत करें। श्री भोरेलाल जी बागड़ी साहब का, भोरेलाल जी बागड़ी साहब, बागड़ी साहब का स्वागत करेंगे। श्री जिन्होंने जमीन दान दिए, बहुत बड़ा योगदान कर दिया। चिरंजी लाल जी आप खड़े हो, और हमारे इस इलाके के बड़े होनहार नेता हैं भोरेलाल जी बागड़ी साहब को साफ अपनाकर स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और ओम प्रकाश जी पूर्व सरपंच साहब भी आए, ओम प्रकाश जी सैनी, एक बार जी इन्होंने ये भूमि दिया हॉस्पिटल लेने के लिए, पूरे जोरदार तालियों से स्वागत करें। चिरंजीलाल जी धान का सापा पहनाकर स्वागत करें। और सैनी जी सरपंच साहब, मैं धन्य है इस इलाके को, धर्मेंद्र जी आपने इस इलाके को, मेरे को लग रहा है सिविल लाइन से कम नहीं छोड़ेंगे। इसी तरीके से यदि आप लगे रहे अगला कार्यक्रम में, श्री हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि महोदय शकुंतला जी रावत, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, सरपंच गुड्डी देवी जी गोदी, वाइफ ऑफ जगदीश जी दौराता, स्वर्गीय श्री जगदीश जी दौराजा, उनकी धर्मपत्नी उनको चुंदड़ी उड़ाकर स्वागत करेगी कैबिनेट मंत्री शकुंतला जी रावत। सरपंच साहब आए और आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती शकुंतला जी रावत जी को चुंदड़ी उड़ाकर स्वागत कर रही है। अम्मे एसडीएम साहब सुनीता मीणा, मैं हमारे मंत्री महोदय भी तो मेरे को लग रहा है। सरपंच साहब आप आए, सरपंच जी बबीता कवर जो हमारे यहां से सरपंच है बामणवास से, सरपंच साहब आप आए, आपको भी चुंदड़ी उड़ाकर सरपंच महोदय आपको स्वागत कर, चुंदड़ी उड़ाकर स्वागत करेगी। मैं सरपंच साहब तो लगभग आपके साथ ही रहे ज्यादातर, ये हमारे वहां हरसोरा के पास में बावनवास से सरपंच है बबीता कंवर राजपूत, आप यहां पधारी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा अगला एसडीएम साहब सुनीता मीणा जी, सरपंच गुड्डी देवी जी आए और उनको सोल भेंट करें। हो गया।
कर दिया। माड़ा राम जी गुजर चेयरमैन कृषि मंडी बानसुर आप भी मंच के ऊपर आए, पूर्व सरपंच खेमचंद जी गुजर और बाबूलाल जी दौराता उनको सापा पहनाकर स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। शकुंतला जी, धर्मेंद्र राठौड़ जी और लालचंद जी कटारिया हमारे सरपंच माड़ा राम जी को इनके सहयोग से कृषि उपज मंडी बानसुर का चेयरमैन बनाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल जी दौराता आप भी आए, खेमचंद जी गुजर पूर्व सरपंच बिलाड़ी, दोड़ाराम जी सैनी आप भी पधारे, बोमाराम जी सरपंच उनका स्वागत करेंगे, मुकेश जी गुजर, डॉक्टर प्रहलाद रघु जी और उनका स्वागत करेंगे, हंसराज जी सरपंच प्रतिनिधि बिलाड़ी। भोमाराम जी सरपंच उनका स्वागत करेंगे, मुकेश जी गुजर, भोमाराम जी बढ़ाना कांकरिया से चतरपुरा उनका स्वागत करेंगे, देशराज जी गुजर, देशराज जी गुजर, पन्नालाल जी गुजर आप भी आए, विजय कुमार जी इंदौरिया सरपंच उनका स्वागत करेंगे, ज्ञानपुरा सरपंच बोलाराम जी सैनी आए उनको सापा पहनाकर स्वागत करें, कबूल जी सरपंच बुर्जा और उनका चंद्रराम जी दौराता स्वागत करेंगे सापा पहनाकर, देवी सिंह जी शेखावत जी और उनका स्वागत करेंगे, रामस्वरूप जी सैनी और पूर्व सरपंच श्री श्याम सुंदर जी, श्री राजेंद्र जी बढ़ाना कृषि मंडी सदस्य उनका स्वागत करेंगे, श्रीमान जी दोड़ा राम जी पंच, हाँ जी सरपंच, आदरणीय डॉक्टर श्री मनोज जी यादव, देवेंद्र चौधरी जी मोठू का सरपंच आपका सम्मान होना है, कृपया मंच पे आगे पहुंचे। इसके पश्चात पशु चिकित्सा उपविद्यालय की टीम कृपया मंच पर पहुंचे, आपके विद्यालय के द्वारा भी अतिथियों का सम्मान किया जाना है, गोरक्षा टीम भी तैयार रहे आपके द्वारा भी अतिथियों का सम्मान किया जाना है, अतः सभी मंच के पास पहुंचकर तुरंत सम्मान कर मंच को खाली करें, जिससे समय की अपनी एक सीमा निर्धारित की हुई है उसका मान और सम्मान रहे। आप भी मंच पर पहुंचे, ललतेश जी सोनी, श्री मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार शेखावत, रामपुर प्रिंसिपल महावीर जी गुर्जर, आदरणीय अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इंद्राज जी गुर्जर और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलाली की संपूर्ण टीम कृपया मंच पर पहुंच। आप सभी क्रमवाई खड़े हैं, आपकी सुबह फोटो अखबार में आएगी सभी की, जयराम जी ठेकला आप भी आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी ने इस गांव की शोभा बढ़ाने के लिए आपने जो समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे अतिथि महोदयों का जिन्होंने अपना बहुत व्यस्त कार्यक्रम को छोड़कर आपके बीच में पधारे। दारा सिंह जी जितने तीनों हस्तियों को आप एक साथ शकुंतला जी लेकर आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे तीनों जिगर के टुकड़े हैं लालचंद जी कटारिया और छिल्लर साहब धर्मेंद्र बिलाड़ी के लोग मांगे इतने पैसे दिलाने की गारंटी लेता हूं, बोलो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं सर्वप्रथम हमारे मान सम्मान देते हैं धर्मेंद्र जी राठौड़, बोलने से पहले मैं एक मिनट बोलूंगा, धर्मेंद्र जी आप बैठ जाएं साइड में,
आप हमारे पुराने साथी हैं और तीनों अस्थि कोई सी कमजोर नहीं है। लालचंद जी कटारिया साहब, शकुंतला जी रावत जी और हमारे बीच में जिला प्रमुख महोदय, 50 लाख रुपए की जरूरत है इस गांव को, जिसमें हॉस्पिटल में पशुपालन हॉस्पिटल में चार दीवारी नहीं है, बोरिंग नहीं है और 2-3 कमरों की कमी है। एक तो ये पूर्ति हो, चार दीवारी नहीं है, स्कूल नहीं, पशुपालन हॉस्पिटल में चार दीवारी नहीं है, पानी नहीं है और उसको कर्मोन्नत करें, ये तो इनका हाथ कोई काम है, एक मिनट में करवा देंगे। और रोडवेज हमारे यहाँ, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे यहाँ सरपंच साहब से, पहले आप अपना स्वागत भाषण करें, उसके बाद में मैं धर्मेंद्र जी को, हाँ मैं मास्टर जी से निवेदन करूंगा, आप दो शब्द कहें। धन्यवाद आदरणीय, आपको निवेदित किया जाता है कि इस पर विचार करें। माँ शीतला के प्रांगण में माँ शीतला देवी, कहते हैं कि पुरुष स्त्री की गोद में खेलकर पलता और बढ़ता है, ये धन्य और सौभाग्य है इस धरा का कि जिसकी एमएलए कैबिनेट मंत्री एक महिला शक्ति है, जिसकी प्रधान एक महिला शक्ति है, जिसकी चेयरमैन एक महिला शक्ति है, जिसकी पंचायत समिति सदस्य महिला शक्ति है और स्वयं सरपंच महिला शक्ति है, तो निसंदेह यहाँ माँ सरस्वती के मंदिर का निर्माण जो आपने 4 कमरों से प्रारंभ करवाया है, विद्यालय परिवार और पूरी जनता तहे दिल से आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन करती है। हे आदरणीय, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, माँ शीतला के मंदिर की आस्था और उनके प्रति लोगों की जो भावना है वो किसी तरह आहत नहीं हो। हमारा जो विद्यालय चलता है वो उसी परिसर के आसपास चलता है, अतः आपसे निवेदन रहेगा कि जहाँ 4 कमरों का निर्माण हो रहा है वहाँ 5 कमरे और यदि उसकी 4 दीवारी, इसके लिए आप यहाँ आज उद्घोषणा करते हैं तो हम अभिभूत होंगे, ये जनता सदैव आपका आभार प्रकट करेगी। पीएससी बिलाड़ी के द्वारा यहाँ पर कुछ उपकरणों की मांग की जा रही है, एम्बुलेंस 108, ऑटोमेटिक लेबर टेबल 3, सीबीसी मशीन, सेमी ऑटोलाइजर, एसीजी मशीन, रेफ्रिजरेटर, स्ट्रक्चर, व्हील चेयर, जो अति आवश्यक चीजें हैं एक पीएससी के लिए, उन पे आपका फोकस रहे। ग्राम पंचायत बिलाली के नवीन कार्य स्वीकृत करवावे, इसके लिए भी आपसे निवेदन है। बिलाली स्टैंड से गांव की ओर, नारायणपुर से बिलाली रोड, राजू सेन के मकान की ओर जैतपुर, बाटला कुआ से शोराम मकान की ओर स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, ग्राम पंचायत बिलाड़ी डामरीकरण, नॉन पेचेबल सड़क निर्माण नवलपुरा तक, स्कूल पुलिया के साथ तक, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि आप इन कार्यों को संपादित करवा के इस धरा को अभिभूत करेंगे। इस कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ जन जन के लाडले, आप सबके चहेते, आप सबके बीच में खेल कूद कर बड़े हुए, आपकी आत्मीय और रग रग से वाफिक ऐसा व्यक्तित्व निसंदेह जो राजस्थान सरकार का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, आपके सम्मान में उनसे बुलाने से पहले 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दाव पर सभी लगे जन्म भूमि के लिए ये धड़कने ये श्वास, पुण्य भूमि के लिए बिलाड़ी के लिए, इस बिलाड़ी के लिए आमंत्रित हैं।